This familiar object in the night sky has inspired the imagination of astronomers and ordinary people alike. From time immemorial, humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. India, a major space faring nation, has conducted a detailed exploration of the moon through its Chandrayaan program. The country has sent two robotic spacecraft to orbit the moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan 1 demonstrated India's ability to reach the surface of the moon at a place and time of its choice. And with it, India became the fourth country to reach the surface of the moon in November 2008. So, मैं आनंद अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आज हम सभी बात करने वाले हैं जो कि हम समझ सकते हैं आप भी बहुत उत्साहित होंगे इस बात को जान करके कि हमारे देश से इसरो से चंद्रयान थ्री की लॉन्चिंग होने वाली है तो आपसे कुछ ही समय बाद इस नजारे को देखने के लिए आप सभी तैयार होंगे उससे पहले मैं कुछ चंद्रयान थ्री के बारे में विशेष बातें आप सभी से करने वाला हूं तो पूरे 140 करोड़ देशवासी इस विजय गाथा को जो आज भारत रचने वाला है ये देखने का इंतजार कर रहे हैं तो प्यार प्यारे साथियों आप सभी से उम्मीद है इस वीडियो को लाइक करेंगे और पसंद करेंगे हम चंद्रयान थ्री की हर एक कंडीशन के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे कैसे चंद्रयान वन और चंद्रयान टू लॉन्च किए गए थे और वो अपने मिशन में असफल हो गए उसके बाद ये चंद्रयान थ्री भारत लॉन्च करने वाला है 2019 के बाद इसरो के वैज्ञानिकों की कठिन परिश्रम के बाद आज चार साल हो गए और 2023 में फिर से इस परीक्षण को कामयाब बनाने के लिए वो सभी उतरे हैं तो हमें उम्मीद है विश्वास है कि वो जरूर कामयाब होंगे तो इस आशा और विश्वास के साथ हम भी इस आ, अनोखे से स्क्रिप्ट को आप सभी के सामने पेस कर रहे हैं तो आइए समझते हैं चंद्रयान थ्री आप सभी को दिख रहा होगा और बेहद सुनहरा अवसर है हम सभी के लिए ठीक है तो हम और आप मिलकर के चांद पर चार चांद लगाने वाले हैं तो भारत विश्वगुरु बनने वाला है इतिहास रचने वाला है चंद्रयान थ्री चंद्रमा के उस सिरे पर जाने वाला है जहां तक आज तक कोई भी देश नहीं गया है मतलब दक्षिणी ध्रुव पर क्योंकि हम सभी जो चंद्रमा का भाग देखते हैं वो उत्तरी ध्रुव देखते हैं दक्षिणी ध्रुव पर कोई कोई नहीं आज तक देश पहुंचा है रूस चाइना अमेरिका जैसे देश आज भारत की इस लांछिक को देखने वाले हैं और घबराए हुए भी हैं क्योंकि अगर भारत ऐसा काम करता है तो वह एक लौता पहला देश होगा जो भारत जो चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है तो लेकिन चांद पर पहुंचने वाला यह चौथा देश होगा हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश होगा क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा होता है तो वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाना बहुत मुश्किल होता है तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंडिया मेजर स्पेस नेशन तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं चंद्रयान वन और चंद्रयान टू के बारे में कि चंद्रयान वन क्या था और चंद्रयान टू क्या था ये कब लॉन्च हुए और इनमें क्या क्या चीजें उपलब्ध थी आइए समझते हैं तो चंद्रयान वन और चंद्रयान टू के बारे में आप सभी को जानकारी थोड़ी सी कम होगी क्योंकि वो जानकारी आप लोग नहीं जानते हैं और मैंने इन सभी जानकारियों को जुटाने का प्रयास किया है इसलिए आपसे आशा करता हूं आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे चलिए शुरू करते हैं तो चंद्रयान वन में चंद्रयान वन में क्या था चंद्रयान वन बाईस अक्टूबर दो को लॉन्च किया गया था 20 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था समझ सकते हैं कितने पहले की बात है और चंद्रमा की जो परिधि होती है उसके ये जो चंद्रयान था उसने 3400, 3400 परिक्रमा की थी चंद्रमा की परिधि की 3,400 परिक्रमा की थी चंद्रयान वन ने 29 अगस्त 2009 को संपर्क टूट गया 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान वन से संपर्क हमारा टूट गया इस वजह से हम इस मिशन को सफल नहीं बना सके इसकी कुल अवधि दो वर्ष की थी और इसे PSLV पी एस सी एलेवन से लॉन्च किया गया था पी एस मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो हमारे देश का एक पावरफुल रॉकेट है इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था ठीक है आगे समझते चंद्रयान टू बेहद खास मिशन था क्योंकि ये एक ऐसा मिशन था जिसको सोच करके ही वैज्ञानिकों ने विदेशों के जो वैज्ञानिक है उन्होंने सोचा नहीं था क्योंकि यहां पर यहां पर विदेशी वैज्ञानिक कुछ काम किए थे पर यहां पर चंद्रयान टू में स्वदेशी वैज्ञानिक काम कर रहे थे हमारे भारत के वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे है? तो टू क्या था? ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ, हुआ था इसमें जो लैंडर था जिसे लैंड करना था चंद्रमा की धरती पर वहां पर पहुंचने से पहले ही दो दशमलव एक किलोमीटर की ऊंचाई पर पहले ही जब लैंड होता है तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती फिर भी इसकी स्पीड कंट्रोल नहीं की जा सकी और यह दो एक किलोमीटर की ऊंचाई पर क्रैश हो गया था क्रैश हो गया था हालांकि चंद्रयान टू में आर्बिटर भी गया था आर्बिटर क्या होता है वो वहां के मौसम और पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट की जानकारी लेकर के भेजता है और आर्बिटर पहले ही रॉकेट से अलग हो जाता है लैंडर से अलग हो जाता है और वो चंद्रमा के चक्कर लगाने लगता है ठीक है वो ऐसी कक्षा खोजता है जिसमें विशेष उचित हो अर्थात लैंडर उसमें परिक्रमा करके फिर चंद्रमा पर लैंड हो सके तो ऐसी स्थितियों को आर्बिटर खोजता है तो आर्बिटर चक्कर आज भी चंद्रमा के लगा रहा है और वो वहां पर मौजूद है इसीलिए चंद्रयान थ्री में आर्बिटर का यूज नहीं किया गया है आइए आगे समझते हैं इसे जीएसएलवी एम के थ्री एम वन राकेट जीएसएलवी मतलब होता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल भू स्थिर उपग्रह को भेजने वाला ये एक रॉकेट है भूस्थिर उपग्रह ऐसे होते हैं जब हम पृथ्वी से उन उपग्रहों को देखते हैं तो वो हमें स्थिर दिखाई देते हैं ऐसे उपग्रहों को भूस्थिर उपग्रह बोला जाता है जो कि कृत्रिम उपग्रह होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एमके3 एम1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था इसके लिए कुल 978 करोड़ रुपए खर्च हुए थे प्यारे साथियों समझ लीजिए इतनी अधिक राशि खर्च हुई थी लेकिन जो चंद्रयान थ्री है केवल और केवल 651 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं हालांकि अभी इसरो की वेबसाइट पर मैंने चेक किया अभी इसके लिए कोई पुख्ता जानकारी उस पे नहीं सोकी गई है फिर भी जो भी जानकारियां मुझे प्राप्त हुई हैं रिसर्च में वो मैं आपको बता रहा हूं 651 करोड़ रुपए जो कि बहुत ही कम राशि है इसी सब देख करके सारे विदेशी जो हैं वो घबराए हुए हैं कि इतने कम खर्च में चंद्रयान थ्री जैसा मिशन लॉन्च होने वाला है भारत से आगे बढ़ते हैं चंद्रयान थ्री चंद्रयान थ्री की क्या खास बातें हैं वो मैंने यहां पर नोट डाउन की है आइए आपको एक एक करके समझाते हैं चंद्रयान थ्री जो है वो चौदह जुलाई दो को दो बजकर पैंतीस मिनट पर लॉन्च किया जाएगा अब से कुछ समय बाद ही अभी लॉन्च किया जाएगा दो बजकर के पैंतीस मिनट पर लॉन्च किया जाएगा आप सबके तब तक ये नजरें जो हैं वो टिकी होनी चाहिए कि कैसे देखिएगा जरूर कि किस प्रकार से लॉन्चिंग की जा रही है ठीक है इसे एल एम वी थ्री 3 एल एम वी थ्री से लॉन्च किया जाएगा लॉन्चिंग मोटर व्हीकल चंद्रयान थ्री का जो वजन है चंद्रयान थ्री का जो वजन है उनतालीस सौ किलोग्राम का है तीन हजार नौ सौ किलोग्राम का हालांकि जो एल रॉकेट है उसकी क्षमता है किलोग्राम को ले जा सकने की। अंतरिक्ष में ले जाने की जो क्षमता है एल की वो चार हजार किलोग्राम की है लेकिन उनतालीस किलोग्राम का कुल वजन है चंद्रयान थ्री का ठीक है लैंडर का वजन जो है वो महज 1726 किलोग्राम है और रोवर का वजन छब्बीस है रोवर क्या होता है जो लैंडर से निकल करके चंद्रमा की पृथ्वी पर छह पहियों वाला एक कह सकते हैं गाड़ी होगी छह पहियों वाली तो उसे रोवर बोला जाता है वो चंद्रमा की धरती पर उतरेगा वही चलेगा और वही सारी जानकारियां हमें प्राप्त कराएगा लैंडर क्या होता है जो लैंड करता है रॉकेट ले जाने वाले होते हैं ठीक है इसमें आर्बिटर नहीं है इसमें आर्बिटर नहीं है क्यों नहीं है इसमें मॉड्यूल लगाया गया है मॉड्यूल लगाया गया है हालांकि और जानकारी प्राप्त करने के लिए आर्बिटर जो चंद्रयान टू का था हम उसी से जानकारी प्राप्त कर लेंगे क्योंकि वो आज भी हमारे कनेक्ट में है तो आर्बिटर तो उस चंद्रमा के चारों ओर घूम ही रहा है उससे जानकारी प्राप्त करने के लिए हम यहां पर सहारा ले लेंगे तो इतनी जानकारी प्राप्त करके आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कि इस लॉन्चिंग के बाद कैसे कैसे चंद्रयान जो थ्री है वो पृथ्वी से कैसे लॉन्च होगा आइए समझते हैं चंद्रयान की लॉन्चिंग जो है प्यारे साथियों वो छह चरणों में पूर्ण होगी छह चरणों में पूर्ण होगी कैसे कैसे लॉन्चिंग होगी समझते हैं एक बार जरा समझने का प्रयास कीजिएगा ये जो यहां पर ये चंद्रयान आपको दिख रहा है भारत का लोगो भी दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं ये जो लगे हुए हैं ये इतने जहां पर इसरो इसरो इंडियन स्पेस इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 1969 में 1969 में बना था ठीक है विक्रम सारा भाई के निर्देशन में आप सभी को ज्ञात होगा एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत मेहनत की थी एक चर्च में बना करके उन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया था तो ऐसे महान व्यक्ति हमारे देश में थे तब जाके आज इसरो वर्ल्ड में चौथे नंबर की पोजीशन में स्पेस एजेंसी में वर्क कर रहा है तो यह हमें हमारे लिए और हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है आइए समझते हैं तो यह लॉन्चिंग कैसे होगी किन चरणों में होगी उन सम, उन सभी बातों को समझते हैं देखिए चंद्रयान की लॉन्चिंग छह चरणों में पूर्ण होगी पहला चरण है बूस्टर पहला चरण है बूस्टर बूस्टर क्या है जो मैंने अभी साइड में दिखाया जो पोल लगे हुए थे चंद्रयान में उन्हें बूस्टर 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 बोला जाता है एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको ये ये बूस्टर बोले जाते हैं बूस्टर। और ये बूस्टर में क्या होता है सॉलिड जो होता है मतलब ठोस ईंधन इसमें भरा होता है ठोस ईंधन भरा होता है और ये इतना पावरफुल होता है कि एक बार स्टार्ट हो जाने पर फिर से रोक पाना बहुत मुश्किल है तो इसमें इसमें 205 टन ठोस ईंधन जो पृथ्वी की सतह से उठने में कार्य करेगा पृथ्वी की सतह से ऊपर उठने में कार्य करेगा ये जो बूस्टर होते हैं ये पृथ्वी से धक्का देने में ऊपर की ओर मदद करते हैं पृथ्वी से धक्का देकर के ऊपर जाने के लिए मदद करते हैं और यहां पर इस समय स्पीड जो होगी प्यारे साथियों वो होगी सोलह किलोमीटर एक किलोमीटर पर आवर बहुत स्पीड होती है इतने में तो प्लेन नहीं उड़ता है हजार बारह सौ के समथिंग एरोप्लेन उड़ता है उससे ज्यादा की रॉकेट पहले इसे स्पीड इस दी जाएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं जो कंडीशन होगी उसमें क्या होगा होगा लिक्विड इंजन स्टार्ट अब प्यारे साथियों आप सोच रहे होंगे लिक्विड इंजन कहां पर लगा होता है तो आपको दिखाता हूं लिक्विड इंजन ये जो बीच का आप पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट यहां पर लिक्विड इंजन लगा होता है लिक्विड इंजन होता है लिक्विड इंजन लिक्विड इंजन भरा होता है तो यहां पर लिक्विड इंजन होता है हाँ, लिक्विड इंजन ये कब ऑन होगा लिक्विड इंजन बूस्टर के काम करने के बाद जैसे ही चंद्रयान 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा लगभग 208 सौ सेकेंड बीत चुके होंगे सोच लीजिए यह काम कितनी जल्दी हो रहा है 208 सेकंड में हम 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो 208 सेकंड बाद स्पीड जो हो जाएगी जैसे ही लिक्विड इंजन स्टार्ट होगा उसके बाद चंद्रयान थ्री की जो स्पीड होगी वो छ किलोमीटर पर आवर हो जाएगी अभी क्या है अभी तो और आगे स्पीड इसकी बढ़ने वाली है जो आज की तकनीक है उसमें हम लगभग 35000 से 40000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकते हैं स्पेस में तो 6,437 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी तीसरे चरण में क्या होगा लिक्विड इंजन स्टार्ट होगा दूसरे स्टेप में ध्यान से समझिएगा तीसरे स्टेप में दोनों बूस्टर अलग हो जाएंगे जो दोनों बूस्टर लगे हुए हैं ये ये जो दोनों बूस्टर लगे हुए हैं आपको दिख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ये फर्स्ट ये सेकेंड ये दोनों बूस्टर यहां से अलग हो जाएंगे ठीक है अब केवल इतना पार्ट बचेगा और चंद्रयान थ्री आगे बढ़ता रहेगा ठीक है दोनों बूस्टर अलग हो जाएंगे यहां पर दोनों बूस्टर अलग तो इसमें क्या होगा यह घटना होगी एक सेकंड के बाद होगी जब दोनों बूस्टर अलग हो जाएंगे और इस समय ऊंचाई जो हो जाएगी वो बासठ किलोमीटर हो जाएगी बासठ किलोमीटर की ऊंचाई हो जाएगी और सात हजार किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चंद्रयान थ्री चलने लगेगा आगे फोर्थ नंबर का स्टेप है जिसमें हीट सील्ड खुलेगी हीट शील्ड क्या है आइए दिखाते हैं आपको हीट शील्ड यहां पर लगी होती है और इसका जो ऊपरी वाला पार्ट होता है यह क्रायोनिक इंजन होता है तो हीट शील्ड खुल करके अलग हो जाएगी हीट शील्ड खुलेगी और यह कब खुलेगी जब चंद्रयान थ्री 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा एक सौ सेकेंड तब तक बीत चुके होंगे और स्पीड इस, इस समय हो जाएगी प्यारे साथियों ध्यान से देखिए 9216 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अब चंद्रयान थ्री आगे बढ़ने लगेगा फिर फाइव स्टेप में लिक्विड इंजन अलग हो जाएगा जो बीच का पार्ट अभी मैंने दिखाया था वो अलग हो जाएगा अर्थात अब धीरे धीरे चंद्रयान का भार जो है वो कम होता जाएगा तो लिक्विड इंजन क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा ये कब अलग होगा लगभग 306 सेकंड के बाद यह अलग हो जाएगा ऊंचाई जो हो जाएगी वो 175 किलोमीटर की हो जाएगी 175 किलोमीटर की ऊंचाई पर लिक्विड इंजन भी चंद्रयान थ्री से अलग हो जाएगा स्पीड जो होगी प्यारे साथियों वो हो जाएगी सोलह किलोमीटर इस समय चंद्रयान थ्री की जो स्पीड होगी वो होगी सोलह किलोमीटर पर आवर सिक्स स्टेप में क्या होगा क्रायोनिक इंजन बंद हो जाएगा जो क्रायोनिक इंजन सबसे ऊपरी भाग में लगा होता है वो इंजन बंद हो जाएगा भी आपको मैंने दिखाया था ठीक है क्रायोनिक इंजन बंद हो जाएगा क्रायोनिक इंजन बंद हो जाएगा और इस समय नौ सौ सेकेंड बीत चुके होंगे नौ सौ सेकेंड एक एक कैलकुलेशन होती है एक मैथमेटिक्स की लगभग टीम बैठी होती तीस से पैंतीस लोगों की वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए ठीक है तो एक एक कैलकुलेशन होती है एक एक सेकंड की मिनी सेकंड तक कैलकुलेट होता है नौ सेकंड के बाद स्पीड हो जाएगी प्यारे साथियों छत्तीस किलोमीटर प्रति पर आवर आप समझ सकते हैं ये स्पीड कितनी है तभी तो हम पृथ्वी से चंद्रमा के जो बीच की दूरी तीन किलोमीटर वो कवर कर पाएंगे लगभग एक महीने का समय इसमें जाएगा तो ये थे छह चरण जिसमें से चंद्रयान थ्री की लॉन्चिंग पूर्ण हो जाएगी ये पूरी लॉन्चिंग जो होगी वो इन छह स्टेप में पूरी होगी आइए समझते हैं कि जब ये लॉन्चिंग हो जाएगी तब क्या होगा बूस्टर अलग हो गया सर क्रायोनिक इंजन भी अलग हो गया लिक्विड इंजन भी अलग हो गया अब जो रोवर बचेगा उसके साथ लैंडर जो बचेगा वो कैसे पहुंचता है चंद्रमा पर आइए समझते हैं इस फिगर को ध्यान से देखिएगा इसमें पृथ्वी है अब पृथ्वी से ऐसा नहीं होता है कि हम सीधे यहां पर रॉकेट पहुंचा देते हैं उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं हमें जड़त्व के नियम का पालन करना होता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वो समझते हैं सभी लोग ठीक तो यहां पर क्या होता है पृथ्वी से जैसे ही अब आपको पता है श्रीहरिकोटा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से ही ये लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा सतीश धवन यहां से ये चंद्रयान थ्री की लॉन्चिंग होगी यहां से जब लॉन्च किया जाएगा तो इसे पहले पृथ्वी के चक्कर लगाना पड़ेगा धीरे धीरे ये पृथ्वी के सतह के चक्कर लगाएगा ठीक है और अपनी स्पीड बढ़ाएगा ठीक है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अलग होने के लिए इकट्ठे नहीं अलग हो सकता वो पृथ्वी के आर्बिट में घूमेगा और उसके बाद ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अब यहां पर देख रहे हैं यहां से जो इसको यहां जाना था अब इसके पास इतनी पावर है कि वो अब ग्रेविटी की पृथ्वी की ग्रेविटी में नहीं घूमेगा बल्कि चंद्रमा की ओर चलने लगेगा यहां से और यहां के बीच की जो दूरी है प्यारे साथियों वो तीन लाख चौरासी हजार किलोमीटर है तो यहां पर घूम रहा है पहले एक बार ऐसी स्पीड दी जाती है कि ऐसे घूम के फिर आएगा पृथ्वी में फिर ऐसे कुछ चक्कर लगाने के बाद जब इसके पास इतनी क्षमता होगी कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को अब नहीं झुकेगा और वो सीधा चंद्रमा की ओर चला जाएगा फिर इसको चंद्रमा के चक्कर लगाने होंगे चंद्रमा के चक्कर क्यों लगाने होंगे क्योंकि इसकी गति इतनी ज्यादा होगी तीन लाख चौरासी हजार किलोमीटर को तय करने में कि फिर इसे अपनी गति को धीमा करने के लिए चंद्रमा के चक्कर लगाने ही होंगे तो चंद्रमा के चक्कर लगाने होंगे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए आपको स्पीड जो है वो कम करनी पड़ेगी सॉफ्ट लैंडिंग तभी पॉसिबल है जब स्पीड 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 क्या हो कम हो, कम हो हो, कम 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 जाए, ठीक है? कम हो, ऐसे। तो यहां पर पहले क्या होगा लैंड जो लैंडर है वो यहां पर लैंड करेगा सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी और चंद्रमा का हम आधा पार्ट ही देख पाते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है वो मूव नहीं करता है वो केवल पृथ्वी के ओर ऐसे ही घूम रहा है वो अपनी जगह पे नहीं घूम रहा है तो हमें आज तक जितना भी भाग दिखा है वो चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव ही दिखा है दक्षिणी ध्रुव पीछे छिपा हुआ है और हम वहां पर पीछे पहुंचने वाले हैं अभी तक रूस चाइना अमेरिका ये जो चंद्रमा पर पहुंचे हैं वो चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे हैं जहां पर साफ दिखाई देता है जबकि दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा होता है वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाना इतना आसान नहीं है लेकिन ये कारनामा भारत करने वाला है अर्थात चंद्रमा पे चार चांद लगाने वाला है और हम इस मुकाम को पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु बने तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा पसंद आया हो अगर चंद्रयान थ्री के बारे में मैंने जितनी जानकारी जुटा पाने की कोशिश की वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो मिलते हैं आप सभी से किसी और विशेष जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम